फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर करेंगे कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की विशेषताएं। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि शारीरिक विकास का अर्थ परिभाषा, उसको दो रूपों के अंदर क्या है वर्गीकृत किया गया है। वो दो रूप कौन कौन से हैं, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन को हम इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट बोल देते हैं जैसे इंटरनल चेंज, और आंतरिक परिवर्तन को हम बोलते हैं इंटरनल परिवर्तन जो होते हैं, इंटरनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो बाह्य परिवर्तन में आपको बता दो स्टूडेंट की जैसे मानव शरीर के आकार, बार, लंबाई आदि में परिवर्तन, जिसे क्या है हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं स्टूडेंट, उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, केवल क्या है महसूस कर सकते हैं। जैसे स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त संस्थान, ग्रंथियां आदि से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये स्टूडेंट किया, और साथ क्या किया था कि दो जो बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की विशेषताएं। बाल्यावस्था पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर किया था कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की विशेषताएं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाल्यावस्था कौन सी स्टेज होती है और इसकी एज क्या मानी गई है। जो बाल्यावस्था एज है स्टूडेंट, वो क्या है शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की एज होती है। जो शैशवावस्था खत्म होने पर और किशोरावस्था प्रारंभ होने के बीच की एज को हम बाल्यावस्था एज मान सकते हैं। और जिसकी जो समय पीरियड है, जो समय विधि है, वो मानी गई है 6 से 12 वर्ष। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्या है प्रारंभिक विद्यालय की आजू कहकर भी पुकारा है। क्यों? क्योंकि इस एज के अंदर जो भी स्टूडेंट है, जो भी बालक है, वो क्या है विद्यालय जाना शुरू करता है। तो प्रारंभिक विद्यालय आजू कहकर पुकारा है। कुछ विद्वानों ने इसे क्या सुपुर्ति की अवस्था कहकर भी पुकारा है। बाल्यावस्था के अंदर जो 6 से 12 वर्ष की एज मानी गई है, उसमें जो भी विकास होता है वो क्या है स्टार्टिंग में से तो बहुत तीव्र गति से होता है। जब एंड में जब इसका खत्म होने की आता है, समय आता है, जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होने से पहले, तो ये विकास है ना जो मंद गति में होना क्या है शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो जैसे क्या हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग जो 12 वर्ष की आयु में शरीर विकास की गति मंद होने के कारण इस अवधि को परिपक्व काल भी कहते हैं। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं को दो मुख्य बिंदुओं के रूप में हमने क्या बांटा था या स्पष्ट किया था। वो दो मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? पहला था बाह्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं, जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने किया। उसके अंदर हमने क्या कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए थे, जैसे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे मैंने आपको क्लियर करवाया कि लंबाई, बार, सिर और कौन कौन से पॉइंट थे स्टूडेंट, जैसे दांत, कंधे, पैर और कुंडलों का आकार, यौन अंगों की वृद्धि। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर। अब हम करेंगे हमारा जो सेकेंड लेक्चर के अंदर है कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की विशेषताएं, इसका सेकंड पॉइंट हम करेंगे आंतरिक अवयवों में परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं। जो इंटरनल क्या है चेंजेस हैं, इंटरनल चेंजेस जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, हम क्या है इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा दूं कि वो कौन कौन से हैं इंटरनल चेंज जो आंतरिक परिवर्तन है, वो जैसे रक्त संस्थान हो गया, श्वसन संस्थान हो गया, और आप और लगा लो कि इनसे संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं, जो कार्य प्रणाली है, इनमें क्या है वो चेंज आते हैं। अब हम इसे स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट लेती हूँ कि हड्डियां, जो बोन्स है हमारी, फर्स्ट पॉइंट है हड्डियां। अब हम हड्डियां पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि हड्डियां कि जो बाल्यावस्था एज है, बाल्यावस्था एज के अंदर स्टार्टिंग से
कितनी हड्डियां होती हैं, फिर जो झिल्लियां होती हैं वो भी क्या एक हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। फिर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करवाती हूँ, अब हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहे हैं बोन्स हड्डियां कि बाल्यावस्था एज जो क्या है 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इस 12 वर्ष के अंदर जो इंटरनल सेल्स है आज जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, जो आंतरिक आंतरिक अंगों में परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं, अब हम हड्डियों के ऊपर आते हैं स्टूडेंट कि शरीर की संरचना क्या है, हड्डियों का एक ढांचा है, जो हमारे शरीर की पूर्ण बनावट है वो क्या है, हड्डियों से ही हुई है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो शिशु में लगभग क्या है 270 हड्डियां होती हैं। जब बच्चे का बर्थ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या है 270 हड्डियां होती हैं। वो हड्डियां क्या है, लचीली होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये लचीली हड्डियां है वो क्या है, मजबूत बनती हैं। अब हमने स्टार्टिंग से बात की कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके अंदर 270 हड्डियां होती हैं जो क्या है बहुत ही लचीली होती है और कोमल होती है। परंतु बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या उनकी दृढ़ता दोनों में वृद्धि होती है। शिशु के शरीर की कुछ झिल्लियां झिल्लियों के कारण हड्डियों के रूप में क्या है बदलाव आता है, जो वो झिल्लियां हैं वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। तो जब बच्चे की एज उसकी क्या है बाल्यावस्था के हिसाब से बच्चा प्रोग्रेस करता है, प्रक्रिया करता है एज के हिसाब से, तो वो झिल्लियां जो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि बच्चे की हड्डियों की संख्या 270 थी, अब वो संख्या क्या है बढ़कर 350 तक हो जाती है, या आप 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों का अस्थिरीकरण होने के कारण हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे का बर्थ होता है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि वो 270 हड्डियां होती हैं और वो क्या है कोमल और लचीली होती हैं, कुछ झिल्लियां होती हैं। झिल्लियां क्या है, बच्चा जैसे जैसे अपनी एज के हिसाब से बड़ा होता है वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं, तो वो 270 से क्या है उनकी संख्या बढ़कर 350 हो जाती है, और वो पहले क्या है कोमल और लचीली होती हैं, फिर बाद में क्या है इसके अंदर अस्थिरीकरण आ जाता है, मीन्स क्या है मजबूत हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तो इस प्रकार उसमें क्या है कड़ापन आने लगता है, मींस वो मजबूत होने लगती है। तो स्टूडेंट ये आपको हुआ फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हड्डियां जिसके हमने बोन्स के बारे में किया। अब सेकंड पॉइंट है मांसपेशियां, जिसे हम इंग्लिश में मसल्स बोल देते हैं, मांसपेशियां। अब ये भी क्या है बाल्यावस्था के हिसाब से ही जो बच्चे की एज है उसके हिसाब से भी इसके अंदर क्या है प्रोग्रेस होती है, ये अपने हिसाब से क्या है प्रक्रिया करती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की बाल्यावस्था में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का धीरे धीरे क्या है विकास होता है, क्या है धीरे धीरे वो डिवेलप होती हैं एज के हिसाब से, वो क्या है विकसित होती हैं। अब शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के अकॉर्डिंग 23% होता है। जब शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था जिसकी एज 5 वर्ष मानी गई है, वो क्या है उसके शरीर का कुल भार क्या है 23% होता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो जबकि बाल्यावस्था के अंत तक यानी कि 12 वर्ष की आयु में बालकों की मांसपेशियों का भार उनके शरीर के भार के लगभग क्या है 35% हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने बात की कि उसके भार के हिसाब से क्या है वो 23% होता है। अब बात आती है कि बाल्यावस्था एज के अंदर जो एज मानी गई है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के अंदर जो मांसपेशियों का जो आकार है या मांसपेशियों के अंदर वृद्धि है, जो उसके शरीर के कुल भार का क्या है 35% हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक अपनी मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण करने लग जाता है। तो पहले क्या है मसल्स ऊपर वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी एज के हिसाब से, जैसे जैसे बच्चा एज के हिसाब से बड़ा होता है उसे पूरी समझ आ जाती है कि मैंने कैसे अपने जो शरीर के अलग अलग पार्ट हैं उनकी क्या क्या कार्य योग्यता है, कार्य क्षमता है, वो जो शरीर के अलग अलग पार्ट है मैं उनको कैसे उनके हिसाब से कार्य कर सकता हूँ, तो वो क्या है इन चीजों पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट मांसपेशियां। अगला है हृदय गति मीन्स हार्ट बीट। तीसरा पॉइंट है हमारा हृदय गति।
अब हृदय गति की बात करते हैं स्टूडेंट, एज के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि बाल्यावस्था में हृदय गति हार्ट बीट शैशवावस्था की अपेक्षा कम होती है। जो क्यों जो शैशवावस्था होती है जो उसमें हृदय गति होती है वो क्या तेजी से होती है। जब बाल्यावस्था के अंदर स्टूडेंट बच्चा क्या है आता है एंटर करता है वो क्या कम हो जाती है। अब हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बाल्यावस्था में हृदय गति शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। जन्म से एक महीने की अवधि तक शिशु की हृदय गति क्या है 140 प्रति मिनट होती है। जन्म के समय एक महीने की अवधि तक मीन्स जब बच्चा एक महीने का होता है तो उसकी जो हृदय गति है वो क्या है 140 प्रति मिनट होती है। शैशवावस्था के अंत में यह गति लगभग 100 प्रति मिनट हो जाती है। पहले क्या है 140 प्रति मिनट होती है और शैशवावस्था के अंत तक बाल्यावस्था के एंटर करते टाइम ये क्या है 100 प्रति मिनट हो जाती है। जबकि 12 वर्ष की आयु में यह धड़कन गति 85 प्रति मिनट हो जाती है। क्या है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया जो उसकी हृदय गति है जो हार्ट बीट है वो कम होती गई। अब बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चे ने एंटर किया 12 वर्ष के अंदर जब बच्चे ने एंटर किया तो वो क्या है उसकी जो गति है जो धड़कन है वो क्या है 85 प्रति मिनट हो गई। तो ये स्टूडेंट आपको हुआ थर्ड पॉइंट क्लियर। अगला हम करते हैं ब्रेक ब्रेक के बारे में। ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट की मस्तिष्क जिसे हिंदी में बोला जाता है हम दिमाग का भी से एक एग्जांपल दे देते हैं। ब्रेन के ऊपर हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों के ब्रेन का आकार व्यवहार क्या है लगभग पूर्ण रूप से विकसित होता है। जब बाल्यावस्था के अंदर बात आती है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो क्या है पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग जो ब्रेन का भार है वो क्या है 300 ग्राम होता है। जब बच्चे का बर्थ होता है जब बच्चे का जन्म होता है वो क्या है 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु बढ़ते बढ़ते जो ब्रेन का भार लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक जो ब्रेन का भार लगभग 1 किलो 300 ग्राम हो जाता है। अब बाल्यावस्था के अंत तक जो ब्रेन का भार है जो वेट है वो कितना हो जाता है 1 किलो 330 ग्राम हो जाता है जो कि प्रौढ़ ब्रेन के भार का लगभग 95% होता है। जो ब्रेन है वो क्या है बाल्यावस्था तक पूर्ण विकसित हो जाता है। ये नहीं हम बोल सकते ये नहीं हम कह सकते कि उसका आधा पार्ट विकसित हुआ है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। जो प्रौढ़वस्था है हमारी जिस एज के अंदर प्रौढ़वस्था कितनी मानी गई है स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि 20 वर्ष से लेकर मृत्यु तक जब तक क्या है हम मरते नहीं तब तक उसे प्रौढ़वस्था के अंदर ही हमें क्या है काउंट किया जाता है। बेशक वो क्या 30 है चाहे 50 है चाहे वो 80 है तो वो प्रौढ़ अवस्था के पूर्ण माना जाता है। मीन्स 95% उसका जो है भाग पूरी तरह से जो ब्रेन का कवर हो चुका होता है। ये पॉइंट स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ ब्रेन के बारे में। अगला पॉइंट हम करते हैं स्नायु संस्थान। स्नायु अब हम इसके बारे में स्टूडेंट बात करते हैं कि स्नायु संस्थान जो बाल्यावस्था है तो जन्म से चार वर्ष की आयु अवधि स्नायु संस्थान तेजी से विकसित होता है। जो स्नायु संस्थान है वो 4 वर्ष की आयु तक वो क्या है तेजी से विकसित होते हैं। जब बाल्यावस्था आती है बाल्यावस्था के अंदर बच्चे क्या है एंटर करते हैं तो ये क्या है इसकी जो गति है वो क्या है धीमी पड़ जाती है। अब हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं जो स्नायु संस्थान है कि जब बच्चा क्या है 4 वर्ष का होता है 4 वर्ष तक जो ये प्रोग्रेस रहती है स्नायु संस्थान की प्रोग्रेस रहती है वो क्या है बहुत तेजी से विकसित होती है। जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है तो ये इसकी जो योग्यता है जो गति है
वो क्या है, मंद पड़ जाती है। ये हुआ स्टूडेंट हमारा पॉइंट, सुनाओ संस्थान के ऊपर। अब बात करते हैं उत्सर्जन संस्थान। अब उत्सर्जन संस्थान के अंदर स्टूडेंट देखिए कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कि बाल्यावस्था में बालकों में मलमूत्र उत्सर्जन संबंधी संस्थान प्राप्त विकास हो जाता है। शैशवावस्था में जहां बच्चे मलमूत्र के उत्सर्ज संबंधी नियमों पर क्या है, निरंतर नहीं रख पाते, बाल्यावस्था में मलमूत्र के उत्सर्ग पर निरंतर रखने में सक्षम हो जाते हैं। उत्सर्जन संस्थान का विकास 11-12 वर्ष की आयु पर चरम सीमा पर होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं कि उत्सर्जन संस्थान, हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर क्या है, ये विकास अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। जब शैशवावस्था के अंदर होता है जो सॉरी स्टूडेंट्स, कि जब शैशवावस्था के अंदर होता है जो ये मलमूत्र उत्सर्ग संबंधी संस्थान का प्राप्त विकास हो जाता है। ये कब होता है, क्या है, बाल्यावस्था में बालकों में मलमूत्र उत्सर्ग संबंधी संस्थान का जो विकास है वो क्या है, प्राप्त मात्रा में हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चे क्या है, जब मलमूत्र क्या है कपड़ों के अंदर ही करते हैं, कब स्टार्टिंग में जब बच्चे के एज के हिसाब से हम चलते हैं तो बच्चे को इतना पता नहीं होता कि मैंने कैसे इसके ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे जो इसकी प्रक्रिया है, जो प्रोग्रेस है, मैंने कैसे ये क्या है जारी रखनी है, या मेरे शरीर का पार्ट है, ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। तो वो क्या है, उसके ऊपर निरंतर नहीं होता, उसके ऊपर क्या है कंट्रोल नहीं होता। जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है, बाल्यावस्था मीन्स 11-12 वर्ष के अंदर, आठ से लेकर भी आप मान सकते हो, 8 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर ये इन पार्टों के ऊपर क्या है वो कंट्रोल कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या मैंने किया है ये उचित हुआ या अनुचित हुआ। तो इस प्रकार ये क्या है, एज के हिसाब से बच्चा अपने जो उत्सर्जन संस्थान है उनके ऊपर भी क्या है कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है पाचन संस्थान। अब देखिए स्टूडेंट कि जो डाइजेस्ट सिस्टम है हमारा, जो हमारे खाने पीने का सिस्टम है वो क्या है, हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों के पेट का आकार बड़ों के पेट के आकार से भिन्न होता है। बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चे के पेट का आकार है वो क्या है, बड़ों के आकार से भिन्न होता है। अब वो भिन्न कैसे होता है, देखिए कि जब भी बच्चा बाल्यावस्था के अंदर जो भी कुछ खाता है वो इतना उसे पचता नहीं, वो अपने पेट के हिसाब से खाता है। तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालकों के पेट का जो आकार है वो छोटा होता है, जिस कारण बच्चे के पेट में एक समय से कम भोज्य पदार्थ क्या है, पदार्थ समा सकते हैं। कि बच्चा एज के ही हिसाब से बच्चा उसी हिसाब से जितना उसके पेट को जरूरत है, जितने उसे भूख लगी हुई है उसी के हिसाब से क्या है बच्चा खाता है, और एक लिमिट के अंदर की ये क्या है चीजें जो भोज्य पदार्थ है वो समाते हैं। जैसे जैसे बच्चा अपनी एज के हिसाब से बड़ा होता जाता है तो वो क्या है, उसका जो खाने पीने का सिस्टम है, उसका पचाने का सिस्टम है वो भी क्या है बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार बच्चे का पाचन संस्थान मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है बढ़ता जाता है, चेंज होता जाता है। अब हम बात करते हैं प्रजनन संस्थान। अगला पॉइंट है हमारा प्रजनन। देखो स्टूडेंट, हम इसको क्लियर करते हैं कि प्रजनन से जुड़े अंगों का विकास प्राय देर से होता है।
जो प्रजनन से जुड़े अंग हैं, जो शरीर के पार्ट हैं बाल्यावस्था के अंदर, इनका जो विकास है वो क्या है, एक धीमी गति के अंदर होता है, वो देर उनके विकास के अंदर क्या है, होने में देर लगती है। तो बाल्यावस्था के दौरान इनकी वृद्धि तथा विकास की गति बहुत धीमी होती है। बाल्यावस्था के अंत तक यह गति है जो क्या अपेक्षाकृत तेजी से होना शुरू हो जाती है। हमने स्टूडेंट पॉइंट क्लियर किया अपना कि प्रजनन संस्थान कि जो ये शरीर के जो पार्ट है, जो अंग है, इनका जो विकास है ना, इस पार्ट के अंदर, इस जो पॉइंट के अंदर हम क्लियर कर रहे हैं कि जो इनका विकास है स्टार्टिंग से वो बहुत क्या है, धीमी गति से होता है। जैसे जैसे बच्चा बाल्य जो अवस्था है उसके अंत तक पहुंचता है, तो ये प्रजनन जो संस्थान है इनकी गति क्या है, तेजी से शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक था, हमने सेकंड पॉइंट अपना क्लियर किया कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की विशेषताएं, जिसके अंदर अपना हमने सेकंड पॉइंट क्लियर किया, सेकंड टॉपिक क्लियर किया कि आंतरिक अवयवों में परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं, जो इंटरनल चेंजेस है हमारे शरीर के अंदर, जो इंटरनल चेंजेस है जिसे क्या है हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, सिर्फ क्या है अपने शरीर के हिसाब से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करवाया, बोन्स, हड्डियां, बच्चे के एज के हिसाब से कि पहले जो हड्डियों की संख्या जब बच्चा जन्म लेता है 270 होती है, तो वो क्या है, बहुत लचीली और कोमल होती है। कुछ झिल्लियां ऐसी होती हैं कि बच्चे के एज के हिसाब से जैसे बच्चा बढ़ता है वो क्या है, हड्डियों का रूप धारण कर लेती है, जिससे वो हड्डियों की संख्या 250 से बढ़कर क्या है, 250 से बढ़कर स्टूडेंट वो हो जाती है कि 270 से लेकर, जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि हड्डियों की संख्या स्टार्टिंग से 270 होती है, वो 270 से बढ़कर क्या है, 350 तक पहुंच जाती है। और जो कोमल लचीली हड्डी है वो क्या है, एसिड्रीकरण आ जाता है उनके अंदर, वो सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो फिर अगला पॉइंट करवाया मांसपेशियां, मसल्स हैं जो, फिर करवाया हृदय गति, हार्ट बीट है, ब्रेन, स्नायु संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, और फिर आता है पाचन संस्थान और प्रजनन संस्थान। तो ये स्टूडेंट हमने अपना सेकंड टॉपिक क्लियर किया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस।